आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो फोर्थ स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया, उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100324 29, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्णव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार डीमापुर असम। बनाने आए थे क्या, बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। परमात्मा ने कहा है कि तुम भी परमात्मा हो। परमात्मा जैसी अनंत चतुष्टय शक्ति लेकर आए हैं, लेकिन कहते हैं आत्मा सबके अंदर होती है, लेकिन कोई आत्मा को परमात्मा बना लेता है, कोई आत्मा को पतित संज्ञा दे देता है, कोई की आत्मा परमात्मा बनकर पूजने लगती है और किसी की आत्मा पापी बनकर धिक्कारी जाती है, ठोकर खाई जाती है। ये किसके ऊपर जाता है? मृत्यु सबके पास आती है, लेकिन एक की मृत्यु निर्वाण बन जाती है, एक की मृत्यु शमशान चली जाती है। एक की मृत्यु के बाद मातम मनाया जाता है और एक की मृत्यु के बाद महोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं बहिरातम अंता आतम परमातम जीवित धाएँ। छैडाला में दौलत राम जी कहते हैं कि 3 प्रकार की आत्मा हैं, 3 प्रकार के जीव हैं यहाँ पर। एक जो जीते हैं स्वात्मा की चिंता करके, अपनी आत्मा की चिंता करके, और चिंता भी नहीं करना पड़ती, अपनी आत्मा है, चिंता उसकी करना पड़ती जो नहीं है। लेकिन आत्मा 3 प्रकार की है, 3 वेद किए हैं, 3 कैटेगरी रखी हैं कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो देह को अपना मान रहा है, जड़ पदार्थों को अपना मान रहा है, संबंधों को अपना मान रहा है, वह बहिरात्मा है, क्योंकि हमने दूसरों के अवलंबन पर अपने जीवन को निर्भर रखा हुआ है। हम दूसरे हंसते हैं तो हम हंसना चाहते हैं, दूसरे रोते हैं तो हम रोने लगते हैं, दूसरों पर हम सोचते हैं, उनके आधार पर हम जीवित हैं। स्वयं का अनंत चतुष्टय हमारा, हम किसी के आधार पर नहीं हैं। लेकिन हमने जड़ पदार्थों से अपनी पहचान बना ली है। आज हमसे कोई पूछे आप कौन हैं तो क्या कहेंगे? अपना नाम बताने बैठ जाते हैं, अपना पता बताएंगे, अपना घर बताएंगे, अपनी दौलत बताएंगे, अपनी डिग्रियां बताएंगे। आचार्य कहते हैं
जो इन सब को अपना मानता है वह बहिरात्मा है। कहा भी है कि जो मूढ़ मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो क्या जाता है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। और कहते जो धन संपत्ति परिवार जन जड़ चेतन पदार्थ हैं वो सब हमसे भिन्न हैं। सामायिक पाठ में तो यहाँ तक का है, तन से जिसका एक नहीं हो सुत्तीय मित्रों से कैसे, कहते तन से भी जिसका एक नहीं है सुत्तीय मित्रों से कैसे, जब अपना चर्म रोम भी नहीं है, अपना रोम कूप भी अपना नहीं है जो कि लगता है देह के साथ है। जन्म से आया था तो जन्म के बाद वाले लोग हमारे कैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ हम जीने मरने का वादा कर लेते हैं, उनके साथ हम अपनी ज़िंदगी की हार जीत समझ लेते हैं, उनको पाना अपना जीवन की उपलब्धि समझ लेते हैं, और ऐसी ही मूर्ता करके हम बहिरात्मा पने को पाकर जाते हैं। हम जरा से दृष्टिकोण बदलें, जहाँ दट्ठी रही हमारी वहीं पीठ हो जाए, जठे दिट्ठी वठे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। एक बूढ़े बाबा जी रोज जाते थे शास्त्र सुनने, आप भी रोज जाते हैं, रोज आप सुन लेते हैं, आपको भी आदत पड़ी हुई है। धर्म के नाम पर कुछ माला के दाने घुमा देते हैं, कुछ किताबों के पेज पलट लेते हैं, कुछ समय आँख बंद कर कर बैठ जाते हैं, लेकिन आँख बंद करने से संसार बंद नहीं होता है, आँख बंद करने से संसार और सुंदर हो जाता है। और आपकी वही हाल हो रहा है, जो पत्नी शायद सामने रहे, सामने हो तो आपको झगड़ा भी कर सकती है, फसाद कर सकती है, लड़ सकती है, आपकी अवहेलना कर सकती है, आपसे फरमाइशें कर सकती है, और हो सकता है आप थोड़े से उससे दूर भी हो जाएं। लेकिन जो सपनों की पत्नी होती है वो आपको बहुत सुंदर लगती है, उसकी अच्छाई अच्छाइयाँ दिखती हैं। आपने देखा होगा पियर, थोड़े दिन पियर चली जाए पत्नी तो उसकी बहुत याद आती है, घर में रहे तो बेकार लगती है, जब घर चली जाए पियर चली जाए तो चांद सितारे घर में याद आ जाते हैं, पूरा अस्त व्यस्त सामान हो जाता आपको। इसी प्रकार से आँख नहीं थी, रोज गर्दन घुमा घुमा के सेठ जी प्रवचन सुनते थे, संत ने कहा कि अपनी आँखें होना चाहिए, ये नहीं कि बाहर की आँखें, अंदर की आँखें भी होना चाहिए, क्योंकि कबीर आदि आप हुए, तुलसीदास जी हों, कबीर हों, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने आत्म जीवन में भी अनुभव किया था, उन्होंने जो कहा था उसने अपने जीवन में भी उतारा था। हम अपने जीवन से वंचित रह जाते हैं, हमें सुनने की आदत पड़ गई है, सुनाई तो लोगे और क्या कर लोगे, लोग स्वाध्याय सुन लेते हैं। एक व्यक्ति ने तो प्रवचन में बैठे बैठे किसी का कुर्ता फाड़ दिया, आगे वाले ने कहा तूने मेरा कुर्ता क्यों फाड़ा, बोले मेरे कपड़े की दुकान है, बोले तेरे कपड़े की दुकान से प्रवचन में कपड़े की दुकान का क्या काम था, बोले असल मुझे नींद आ गई थी और एक ग्राहक आ गया था, वो कपड़ा मांग रहा था, मैं बोल रहा था 50 रुपये मीटर, वो कह रहा था 40 रुपये मीटर, जैसे तैसे करके मैंने सौदा पक्का किया 45 में, और वो बोला दे दे, मैंने फाड़ दिया, कपड़ा तो था नहीं तेरा कुर्ता फाड़ दिया। आप समझ गए, हम भी कुर्तों की तरह सपने देख रहे हैं, कभी कोई रजिस्ट्रियाँ करा रहा है, मकान बनवा रहा है, सब यही सब काम में लगे हुए हैं, लेकिन अपने जीवन धन को भूल जाते हैं, हम अपनी हकीकत को भूल जाते हैं कि हम मात्र आत्मा हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, लेकिन बाहर के धन इकट्ठे कर करके तिजोरियाँ भर के मर जाते हैं। उस सेठ से भी संत ने कहा कि अपने जीवन में कुछ उत्थान कर लो, संत तो हमेशा उत्थान की कहते हैं और सेठों को लगता है बेकार की बातें कहते हैं। संत ने कहा कि सबसे पहले तो सुनने से काम नहीं चलेगा, तुम स्वयं भी अध्ययन करो। सेठ ने कहा कि आपको लगता है मैं अध्ययन नहीं करता हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ लेकिन असल बात मैं सुन ही सकता हूँ, देख तो सकता नहीं। संत ने कहा अच्छा आपको दिखाई नहीं देता, उसने कहा मेरी आंखें खराब हैं। तो सेठ ने कहा कि मेरी आंखें खराब हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि मेरे घर के लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे एहसास ही नहीं होने देते कि मेरी आँखें नहीं हैं। संत ने कहा आंखें अपनी होना चाहिए, दूसरे की आंखें ज़्यादा दिन काम नहीं आती हैं,
बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। कहते हैं पास पैसा होता है तो सब तुम्हारे साथी हो जाते हैं, और गरीबी में कोई नहीं पूछता है कि आप कैसे हैं। पास हो पैसा तो तू दूल्हा ही बराती है, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा, मुसीबत में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। संत ने समझाया कि दूसरों की आंखें काम नहीं आती हैं, अपनी आंखें होना चाहिए, कम से कम अपनी आंखों का ऑपरेशन करा ले। वो कहने लगा ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है, घर में 20 सदस्य मेरे अलावा, और आप समझ गए 20 सदस्य तो 40 आंखें हैं, मेरी दो आंखें नहीं हुई तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, घर के लोग मेरे लिए सब तैयार रहते हैं, जहाँ जाना हो हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, खाने के लिए थाली आ जाती है, गर्मा गर्म खाना हाथों में ग्रास बना बना के देते हैं। संत की बात सेठों के समझ में नहीं आती है, और ऐसा ही हुआ, उसने संत की बात नहीं मानी और एक दिन उसके घर में आग लग गई। जब घर में आग लगी तो सब लोग तो अपनी जान बचा बचा कर बाहर निकल गए, बाबा जी अंदर ही रह गए, और आग की लपटें उठने लगी। उसकी उष्णता से सेठ जी को लगने लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, और बहुत चीखे चिल्लाए रोए, बहुत आवाज़ें दी, लेकिन जान की बाजी लगा कर इन्हें बचाने कौन आता। आप समझ गए उस समय सेठ कितना रोया होगा, कितना धिक्कारा होगा परिवार के लोगों को, जिनकी उम्मीदें की थी, क्योंकि कहते हैं भरोसा छोड़ दे जालिम, भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो कोई अपना नहीं होता है, मतलब की दुनिया होती है वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है, कौन किसका होता है। इसी प्रकार से सेठ रोया, बिलखा, तड़फा और तड़फ तड़फ कर जल कर मर गया। आपको लगता होगा वो सेठ तड़फा होगा, हम भी तड़फेंगे। यदि हमने अपने अंदर की आँख नहीं खोली तो बहुत तड़फेंगे, कौन कहाँ तक साथ जाता है। कोई ज़्यादा दिन साथ नहीं जाता है, क्योंकि ज़्यादा तो ज़्यादा जाने दो, तुम प्रैक्टिकल करके देखो अपने व्यवहारिक जीवन में, देखना कि जब तुम्हारे अच्छे दिन होते हैं तो दुनिया तुमसे मिलने आती है, पार्टियों में बुलाती है, और तुम्हें कोई कोरोना जैसी बीमारी हो जाए तो घर के लोग भी अस्पताल में छोड़कर आते हैं, जलाने तक साथ नहीं आते, कंधा लगाने तक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि तुमने जिनका जीवन भर साथ दिया। तुम सपने भी किसके देखते हो, तुम सपने भी देखते हो तो ये देखते हो कि व्यापार बढ़ गया, या कभी देखते हो घाटा पड़ गया, चोरी हो गई, बेईमानी हो, ये सब सपने देखते हो। अच्छे सपने भी तुम्हें नहीं आते हैं, अच्छे सपने अच्छे आदमियों को आते हैं, क्योंकि धर्मात्मा को सपने आते हैं कि वो किसी पर्वत पर बैठा है, आत्मध्यान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, और एक दिन जाकर शिवालय में उसका वासा हो गया। हम तो पढ़ लेते हैं आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा, भगवान तुमने समता का परिचय दिया, ऐसी समता मैं भी लाऊं, मेरे हृदय यही समाई है, कितना बड़ा झूठ बोलते हो। तुम्हें कोई ईंट का जवाब दे दे तो तुम पत्थर मारने को तैयार हो जाते हो, एक गाली दे दे तो तुम दो गालियां देने तैयार बैठे रहते हो। जीसस ने कहा था कि तो तुम्हारे गाल पर तमाचा मारे तुम दूसरा गाल कर देना, लेकिन गाल तो गाल जाने दो, आज तो बेहाल कर दोगे तुम उसको। वो कहते हैं कभी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो तो को काटा बोए बाय बोए तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं बाकू हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मो को काटा बोए बाय बहु में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से। मैं आप सबको यही आशीर्वाद दूंगी कि आप बहिरात्मा ना बने, क्योंकि बहिरात्मा धक्के खाता है,
और अंतरात्मा अपने अंतर में आ जाता है तो सुख में निवास करता है। आज से आपका जीवन सुखमय हो, आप दूसरों से अपेक्षाएं छोड़ दें और अपने जीवन में शांति को अपनाएं। क्योंकि कहते हैं हवस और मान हिंसा के, हवस और मान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। इसी जीवन को अपनाएं, इसी शैली को अपनाएं, इसी सूत्र को अपने जीवन में लाएं, ताकि आपका जीवन सुख समृद्धि और शांत आनंदमय हो। मेरा यही सुभाषिस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन धर्मपत्नी उमारानी जैन सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन मीनाक्षी जैन भावनगर, भरतेश जैन मालनी जैन कोलकाता, पराग जैन प्रीति जैन मुंबई, पंकज जैन निधि जैन सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन सम्यक जैन, पूज्य जैन संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन बोधि जैन, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिछी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80 जी एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।